कि आज महानवमी तिथि है इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की अलग अलग तिथि पर पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होता है, आज का जो रूप है वह सिद्धिदात्री का है। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां 9 दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्ट प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्ट प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है।
रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। मेरी प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि जगतजननी माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको समाज की एकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रेरित करेगा। और प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व हर प्रदेशवासी को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। कामचारी कामरात्री कालचक्र स्वरूपिणी कामदामकारु राधाराम कालिका पूजयाम्यहम् कालिकायै नमः वा अहम् पूजयामि। समर्पयामि। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।